कर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के दिन जो लोको पायलट सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का, दोस्तों उसके मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनका एग्जाम था दोस्तों आज, सरवण सिंह राठौड़ का, ठीक है ना। रोल नंबर आपको बिल्कुल यहाँ पर दिख रहे हैं, वेरीफाइड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये भारतीय इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। आप डेट भी देख सकते हैं, शिफ्ट फर्स्ट का है ये, देखिए रिपोर्टिंग टाइम, और एग्जाम डेट भी देख सकते हैं। फिजिकल एंड मैथ्स है, ठीक है ना। ये बिल्कुल नीचे हस्ताक्षर है, ये इनविजिलेटर के हस्ताक्षर है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। आप क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए इन्होंने मुझे बताए थे। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया और बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 12 N यानी कि 12 न्यूटन हो तो चंद्रमा पर क्या होगा। दोस्तों यकीन मानिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, मुझे पता है कि ये जी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि 1/6 होता है तो 12 का आप 1/6 निकालोगे तो आपका आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 2 न्यूटन, यानी कि चंद्रमा पर भार क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे ज्यादा विशेष ऊष्मा किसकी होती है, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विशेष ऊष्मा किसकी होती है, जल की होती है, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग से एक क्वेश्चन यह पूछा गया कि टमाटर लाल होता है तो पत्ता कैसा होगा, हरा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन यह पूछा गया था, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है, ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं। और ट्रेड का जो पेपर था वो तो बहुत ही ज्यादा इजी, यानी अब यदि आपका भी ट्रेड होना फिजिक्स या मैथ्स, ठीक है, तो आप बगैर पढ़े भी जाएं दोस्तों तो भी आप उसे पास कर देंगे, ठीक है ना। जहां तक अनुमान है, काफी बेसिक चीजें पूछी गई थी। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 2 व 9 स्क्वायर, ठीक है, 9 के स्क्वायर के मध्य अभाज्य संख्या कितनी होगी। 2 की पावर 2 यानी कि दोस्तों 4, ठीक है, और 9 का स्क्वायर यानी कि कितना, 81। इन दोनों के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो दोस्तों ये आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, इनकी संख्या होगी 20, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, 100 रुपए पर 10% दर से 2 वर्ष के SI व CI का अंतर, ये पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आप निकालोगे तो ये आपका जो CI है वो आएगा 20%, सॉरी CI आएगा 21 और S आएगा आपका 20%। इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितना, 1, और यहाँ से दोस्तों आप इसका 100 का 1% निकालोगे ना, ठीक है ना दोस्तों, तो आपका जो आंसर है वो 1 रुपये आ जाएगा यहाँ पर अंतर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए, आप कहेंगे कि क्वेश्चन ये कैसे आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। रक्त स्कंदन हेतु विटामिन कौन सा उत्तरदायी है, तो दोस्तों के है। प्रतिरोध को समांतर क्रम में आधारित एक न्यूमेरिकल पूछा गया था दोस्तों, वह वोल्ट इस वोल्ट पर धारा पर आधारित करके इस प्रकार से था। और दोस्तों इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, 5 की पावर 500 1 को 126 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से क्षेत्रफल यदि आप निकालेंगे ना दोस्तों तो आपका आएगा 125। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको पूरा हल करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही आपके 2 1 क्वेश्चन पूछा गया, CI से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2, काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर भी गलत था, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इतने प्रतिशत की हानि पर यदि किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना। एक दोस्तों प्रतिशत का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार से आया था, 110 का 110%, ठीक है, का कितना, 10%, ठीक है ना, ऐसा करके आया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या था वहां पर, रॉन्ग था, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया। ट्रिगोनोमेट्री के दोस्तों कोण के मान रखने के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 लिखा है मैंने यहाँ पर, और काफी ज्यादा इजी थे। देखिए मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा वो इजी टू मॉडरेट थे वो। भारत की तरफ से पहला खिलाड़ी जिसने जिसे भारत रत्न मिला, तो दोस्तों मैं आप बता दूं कि ऑप्शन में थे सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, दोनों इन शायद सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और बाकी आप चेक कर लेना, फुटबॉल में 2018 तक 1 वर्ष में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन था, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे तो सुनील छेत्री लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप जरूर तैयार कर लें, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य क्या है, दोस्तों रोफ है, आप याद कर लें। बाकी राज्यों के जो नृत्य हैं उन्हें भी आप देख लें। और यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बीमा के 2 क्वेश्चन पूछे गए, इकाई के 2 क्वेश्चन पूछे गए। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संवेग की इकाई क्या होती है, तो संवेग दोस्तों आपको होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो वेग की होती है मीटर पर सेकेंड, और द्रव्यमान का क्या हो गया, जी, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेड की। तो ट्रेड काफी ज्यादा इजी था, मैंने पहले भी आपको बताया कि यदि आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी ट्रेड क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप, और जो बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग है दोस्तों, इससे काफी कम क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है ना।
सॉरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा है मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर बात बता दूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 3, 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इंजीनियर ड्राइंग से कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 4 से 5। बाकी जो 30 से 35 क्वेश्चन है वो फिजिक्स से ही पूछे गए हैं आपके, ठीक है। कंप्यूटर से के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन जरूर चैप्टर दोस्तों याद कर लें, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन, विषम छांटने वाले होते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन, गणित क्रिया के 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, काफी इजी थे। कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन, सिलॉग्स के, सिलॉग्स बोलते हैं दोस्तों इसे, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट के 3 क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछे गए थे। ये उनको याद रखा था उन्होंने, जिस अनुसार बताया मैं आपको उसी अनुसार बता रहा हूँ। फिर भी यदि कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।